Yes, children, be ready to study. Class 3, lesson number 2, subject English. English first. The second lesson name is Clever Fox, Chalak Lomdi. Is chapter mein hai kya? Crocodile aur fox aapas mein friend hote hain. Achanak hi kya hota hai ki खाने की कमी पड़ जाती है और फॉक्स गांव में घूमने जाती है और वहां जाने के बाद में वो खाने की तलाश करती है. गांव वाले उसे पत्थर मार करके वहां से भगा देते हैं. फिर वो क्रोकोडाइल के पास आती है और कहती है, चलो हम भी खेती करते हैं, क्रॉप उगाते हैं. क्रोकोडाइल एग्री हो जाता है और क्रॉप उगाने के बाद में जो लोमड़ी की, फॉक्स की जो चालाकी थी, उससे फॉक्स बेनिफिट उठाती है. क्रोकोडाइल को जो उसका हिस्सा है उसमें उसको कम देती है या नहीं देती है. और बाद में फॉक्स के साथ क्रोकोडाइल क्या करता है, इस चैप्टर में हम ये तमाम बातें पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. द क्लेवर फॉक्स. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ कनिंग फॉक्स. एक चालाक लोमड़ी रहती थी नियर अ लेक, एक झील के पास. एक क्रोकोडाइल लिव्ड इन इट. एक मगरमच्छ भी उसमें रहता था. बोथ वर फेथफुल फ्रेंड्स. दोनों ही बहुत फेथफुल फ्रेंड्स थे, विश्वसनीय मित्र थे. बोथ द फ्रेंड्स मेट एवरी डे इन द शेडो ऑफ अ ट्री. रोजाना ही दोनों मित्र मिला करते थे पेड़ की छाँव में. बाय द लेक, उस नदी के, उस झील के पास. वन डे इन द समर, एक बार, एक दिन गर्मियों में, देयर वॉज अ स्कैर्स ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई. सो द फॉक्स वेंट टू द विलेज. वेंट टू विलेज, इसलिए वो लोमड़ी गांव में गई. द विलेजर्स वर अफ्रेड ऑफ फॉक्स, गांव वाले उस लोमड़ी से बहुत डर गए. सो दे थ्रू स्टोन्स टू ड्राइव हिम अवे, इसलिए उसके ऊपर पत्थर मारे उसे भगाने के लिए. द फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, फॉक्स बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा था. द क्रोकोडाइल केम टू कंसोल हिम, और वो मगरमच्छ उसके पास उसे सांत्वना देने के लिए आया. आफ्टर सम डेज, कुछ समय के बाद में, एन आइडिया केम टू द माइंड ऑफ द फॉक्स, एक विचार फॉक्स के दिमाग में आया. सडनली ही मेट, अचानक ही वह मिली हिज फ्रेंड, अपने मित्र द क्रोकोडाइल से. हुई स्पेंट मोस्ट ऑफ हिस टाइम, जो गुजारता था अपना अधिकतर समय इन द वाटर, पानी में. द क्रोकोडाइल वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट लैंड लाइफ. क्रोकोडाइल के को ज़्यादा पता नहीं था भूमि पर कैसा जीवन होता उसके बारे में. द फॉक्स हेड्स, उस ब्लोमड़ी ने कहा, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, मेरे पास एक शानदार विचार है. लेट अस ग्रो अवर ओन फूड, हम अपना ही खाना उगाएं. वी शैल ग्रो सम क्रॉप्स, हम कुछ क्रॉप्स उगाएंगे, फसलें उगाएंगे. दैट इज़ अ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. बट वाट क्रॉप शैल वी ग्रो, हम कौन सी फसल उगाएंगे, आस्क द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने पूछा. वी कैन ग्रो सम राइस, हम कुछ राइस उगा सकते हैं. इट ग्रोज वेरी वेल नियर वाटर, ये पानी के पास बहुत अच्छा उगता है. वी कुड प्लांट इट क्लोज टू योर लेक, हम इसे आपके लेक, झील के पास इसको प्लांट कर सकते हैं. रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा. दैट इज़ अ गुड आइडिया, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, विचार है. वॉट डज राइस टेस्ट लाइक, राइस का टेस्ट कैसा होता है, आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने पूछा. इट इज़ टेस्टियर देन दैट द मीट यू ईट, ये उस मीट से कहीं ज़्यादा अच्छा है जो आप खाते हो, रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा. द क्रोकोडाइल हेल्प द फॉक्स टू प्लांट द ग्रेन्स ऑफ राइस, क्रोकोडाइल ने सहायता की फॉक्स की चावल बोने के लिए. ही लुकड आफ्टर, उसने देखभाल की द प्लांट्स वेरी केयरफुली, उन पौधों की बहुत अच्छे तरीके से. अनटिल देवर
टॉल एंड राइप जब तक कि वो बड़े और पक नहीं गए. नाउ इट वॉज टाइम, अब समय आ गया था टू येल द क्रॉप, फसल काटने का. द क्रोकोडाइल लिक्ड हिज लिप हंग्रीली. क्रोकोडाइल ने लिक किया यानी जीभ को घुमाया अपने होठों पर भूख को दर्शाते हुए. हैव पेशेंस, धैर्य रखो माई डियर, मेरे प्यारे. हाउ शैल वी शेयर द राइस, हम कैसे बांटेंगे राइस को. आई नो दैट, मैं जानता हूँ. यू हैव वर्कड सो हार्ड, तुमने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया. सो यू कैन हैव ऑल द पार्ट, इसलिए तुम सारा हिस्सा ले सकते हो. दैट आर ग्रोइंग, जो उग रहा है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे. आई विल जस्ट टेक द टॉप अपार्ट, और मैं ऊपर वाला भाग ले लूँगा, रिमार्क द फॉक्स, उस लोमड़ी ने कहा. चालाक लोमड़ी थी, उसने कहा मैं तो ऊपर का पार्ट ले लूँगा, तुम जो ज़मीन के अंदर है उसे ले लेना. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा जी ग्रेटफुली, कृतज्ञता से. यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं. व्हेन दे पुल्ड अप द राइस, जब उन्होंने उस राइस प्लांट को निकाला, द क्रोकोडाइल सा, क्रोकोडाइल ने देखा, दैट ओनली लिटिल, कि केवल थोड़ा सा ही रूट ग्रीव अंडर द ग्राउंड, थोड़ी सी रूट ग्राउंड के जमीन के नीचे थी. द क्रोकोडाइल फेल्ट सिली, क्रोकोडाइल ने महसूस किया अपने आप को सिली यानी स्टूपिड एंड अनॉयड, और गुस्सा हुआ विद द फॉक्स, उस नाराज हो गया उस फॉक्स से. क्रोकोडाइल आस्क्ड, क्रोकोडाइल ने कहा, शैल वी ग्रो पोटैटोस नाउ, क्या हम पोटैटोस बोएं इस बार. द फॉक्स एग्रीड, वो फॉक्स एग्री हो गया ईगली उत्सुकता से. सो द क्रोकोडाइल हैव द फॉक्स, इसलिए क्रोकोडाइल ने सहायता की फॉक्स की टू प्लांट द पोटैटोस को बोने में. नाउ अब इट वॉज द टाइम टू येल द क्रॉप, अब फसल को काटने का समय आ गया था. द क्रोकोडाइल लिक्ड हिज लिप्स हंग्रीली, क्रोकोडाइल ने अपने लिप्स को भूख के साथ फिर लिक किया, होठों पर घुमाया. है पेशेंस, धैर्य रखो माई डियर, मेरे प्यारे मित्र. हाउ शैल वी शेयर दिस पोटैटोज, हम इस पोटैटोज को कैसे शेयर करेंगे. दिस टाइम आई विल टेक द टॉप अपार्ट, इस बार मैं ऊपर का हिस्सा लूँगा. इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम नाराज ना हो, सजेस्ट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने सलाह दी. द कनिंग फॉक्स एग्रीड इन नो टाइम एंड सेड, और वो चालाक लोमड़ी बिल्कुल तैयार हो गया बिना समय लिए हुए, और कहा आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई टुक द पार्ट दैट ग्रीव अबाउट द ग्राउंड लास्ट टाइम. आफ्टर ऑल, मैंने पिछली बार वो हिस्सा लिया था जो ज़मीन के ऊपर था, यानी इस बार आप नीचे का हिस्सा ले लो, ऊपर का हिस्सा आप ले लो. व्हेन दे पुल्ड अप द पोटैटोज प्लांट, और जब उन्होंने पोटैटोज प्लांट को निकाला, द क्रोकोडाइल वाज सरप्राइज, तो क्रोकोडाइल बहुत सरप्राइज हुआ टू सी ऑल द मडी पोटैटोज, देख करके सारे मिट्टी से जो सने हुए पोटैटोज थे, विच ले बनीथ द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर थे. ही टेस्टेड द लीव्स ऑफ द लीव्स, उसने उसकी पत्ती को टेस्ट किया पोटैटोज की, एंड स्पैट, और थूक दिया देम आउट एट वंस, तुरंत ही बाहर. दिस टाइम द फॉक्स कुड हार्डली कंटेन हिज लाफ्टर, इस बार बड़ी मुश्किल से वो फॉक्स अपनी हंसी को रोक पाया. द क्रोकोडाइल फेल्ट स्टूपिड एंड क्रॉस, और उस क्रोकोडाइल ने फिर अपने आप को स्टूपिड महसूस किया और चला गया. नेक्स्ट टाइम, अगली बार, दे ग्रू उन्होंने उगाया द कोकोनट्स एंड व्हेन दे रेडी टू बी यील्ड, जब उन वो फसल आने के लिए तैयार हुई, द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, दिस इज द कोकोनट, ये कोकोनट्स हैं, टेस्टी हैं एंड स्मूथ, और बड़े ही स्मूथ हैं. सो यू डिसाइड, अब आप डिसाइड करो विच पार्ट ऑफ इट यू वुड लाइक टू हैव, तुम कौन सा हिस्सा इसका लेना चाहोगे, आउटसाइड और इनसाइड, बाहर का और अंदर का.
This time, इस समय इस बार द क्रोकोडाइल वॉज एब्सोल्युटली इन फरी एंड फ्रस्ट्रेशन. इस बार वो बहुत क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो गया. ही टुक ए फ्यू अनस्टेडी स्टेप. अब उसने कुछ अनस्टेडी स्टेप उठाए टुवार्ड्स द फॉक्स, फॉक्स की तरफ. एंड कॉट विद हिज जॉ, और उसने अपने जबड़े में पकड़ लिया. एंड टॉर, और फाड़ दिया. एंड द फॉक्स, फॉक्स को इंटू मैनी पीसीस, बहुत टुकड़ों में. एंड एट थीम अप, उसे खा गया. इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें. थैंक यू.